हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं जा रहा हूँ मुआ बिनने, जो अपने गांव में अपने घर का ही है। मुआ पेड़ बिनने जा रहा हूँ। मुआ का फूल होता है ना, उसको बिन रहे हैं। जो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने के जा रहा हूँ। मेरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये हमारे बस्तर में प्रसिद्ध है मुआ का जाड़। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं मुए से लोग अपना जिंदगी का जीवन यापन करते हैं। इससे दारू बनता है, प्लस दारू बनने के बाद लोग इसमें घर में दम करके रखते हैं। दम करके रखते हैं। जो दिख रहा है ना, ये मुए का फूल है। ये जो टोकरी है, ये भी एक शिल्पकला की देन है। जो लोग जो बांस के फेड़ होता है ना, उसको काट कर इसको छोटे छोटे लकड़े में टुकड़ा करके इसको बनाया जाता है। ये अपनी बस्तर की देन है, जिससे ये टोकनी का उपयोग मुआ बिनने में, मुआ ले जाने में और सामान रखने में, प्लस अन्य प्रकार के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने के में भी इसका उपयोग होता है। मुआ बिनने में, खाना सब्जी बनाने में, इसको जो ये पेड़ है ना, इसका वो जो बांस का बोलते हैं, उसको सब्जी बनाने का भी काम आता है। इसका अचार भी बनाते हैं। अचार इसका मस्त लगता है। आप लोग कभी ना कहीं कहीं पर भी खाए होंगे। कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना, अपनी बस्तर की कला। ये मुए का पेड़ से दो फसल होता है। पहले तो अभी मुआ बिन रहे हैं, सेकंड में इसमें छोटी छोटी कलियों पर जो ठोरा होता है ना, जो उसका बीज निकलेगा, तब भी उनका जैसे गुटलियाँ बोलते हैं हम लोकल भाषा में, हम लोग देसी को गाढ़ा बोलते हैं, जो अपनी गोंडी लैंग्वेज होती है, फिर गोंडी भाषा होती है ना, उसमें हम लोग गाढ़ा बोलते हैं। गाढ़ा को तोड़ के सुखा के उसका भी तेल निकाला जाता है, ताकि हम सब्जी बनाने में उसका यूज कर सकें। और ज़्यादातर उसका उपयोग ठंड के दिनों में, जो शरीर हाथ पैर में लगाते हैं, जो थोड़े का फल होता है उसको खाते भी हैं। मुए का पेड़ में बहुत सारी खूबियाँ हैं। जिनके पास ये ज़्यादा मुए का पेड़ होती है, उनको ज़्यादा मिलता है। जैसे कि बहुत सारा अपने घर में यूज दम करके रखते हैं, जब इसका रेट बढ़ता है बाजार में, इसका रेट बढ़ने के बाद इनको बेचा जाता है। शुभ कार्य करने के लिए दारू है, सबसे पहले दारू का उपयोग किया जाता है। अपनी यहाँ ही मान्यता है कि अपनी यहाँ जो भी देवी देवता हैं, उन्हें पहले दारू का दो बूंद अर्पण करने से उनको खुशी मिलती है। क्या पता खुशी मिलती है नहीं मिलती, इससे तो मुझे नहीं पता। लेकिन लोग जो भी अपने बुजुर्ग हैं वो ऐसे बोलते हैं। जितना भी मुए का फूल हो, इन्हें इकट्ठा कर अपने बोरा कटोरे में बांध के इन्हें ले जाते हैं, ताकि लोग यहाँ जितने भी लोग हैं अपने अपने झाड़ में जाके मुए बीन रहे हैं। मुए का जो मौसम होता है ना, बहुत ही आनंददायक होता है। जो सुबह सुबह उठ के लोग घर को छोड़ के जाते हैं, घर तो छोड़ने के बाद सीधा शाम को वहाँ जाते हैं। क्या नाम है आपको? कैसे लगता है मुआ बिन के? हाँ, थोड़ा बहुत खुशी तो मिलती है ना। इससे क्या क्या करते हो आप लोग मुआ बिनने के बिनने के लिए? दिन के बाद सुखा के ये रोज आप लोग यही करते हो? हाँ। और इससे क्या क्या होता है मुआ का? दारू बनता है। दारू बन के क्या करते हो? बेचते हो, पीते हो, क्या करते हो? झगड़ा भी होता है? कौन कौन लड़ाई करते हैं इसमें? डोकरा डोकरी ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों, दारू भी पीना है। एक देसी मदिरा है जो ना ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम प्रसिद्ध है, जिसे मुए का दारू कहते हैं। इसे लोग फुल लोग पी के ना मस्ती भी करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, ऐसा मान्यता है। ये जो दिख रहे हैं आप लोगों के सामने, पूरा मुए का पेड़ है, जो सुबह से
लोग अपने अपने मौज में लगे हुए हैं। ये क्या बोलते हैं, बस्तर की आमदनी है जो लोग अपने जीवन शैली में उपयोग करते हैं। बस्तर के जितने भी लोग हैं ना, ये सुबह उठते हैं, रात में 2-3 बजे उठ के जाते हैं, ताकि जो अपने गौ माता लोग हैं ना, उन्हें ना खाएं करके, अगर उन्हें खाने से ना तो नहीं मिलता है, इसलिए अरे मोए को खाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे ग्रामीण लोगों को। मेरा आज का ही वीडियो यहीं तक था दोस्तों। मेरा वीडियो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मेरा हिम्मत बढ़ेगा।